हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं कुछ आज किचन टिप्स शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूजफुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला किचन टिप्स ये है कि इस प्रकार का जो चाय छन्नी होता है ना, तो सभी लोग यूज करते हैं चाय छानने के लिए हम लोग। और कुछ दिन में यूज करते करते क्या होता है, देखिएगा कि बीच में जो है काला साइड में काला जो है जमने लगता है। चाहे कितना भी आप डिश वाशर से धोएं, विम बार से धोएं, तो इसमें जो है लगा ही रह जाता है किनारे किनारे पे, धोने से हटता नहीं है। तो ये किस प्रकार से हम साफ करेंगे, इसका बहुत ही आसान मैं तरीका बताती हूँ आपको, ताकि ये इसका जो है निकल जाए पूरा काला जो चिपका हुआ है वो। तो हम क्या करेंगे कि गैस जला लेंगे इस प्रकार से, और इसे जो है हम इस तरह से जला लेंगे। तो जितनी भी इसकी गंदगी है ना, जो किनारे में जमा हुआ है, जो अक्सर हम चाय छानते हैं, दूध छानते हैं, तो क्या होता है थोड़ा थोड़ा करके वो चिपकते जाता है। चाय पत्ती हो या फिर दूध हो, चाय छाली हो, तो वही धीरे 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 15-20 दिन के बाद देखिएगा जम जाता है। तो इस प्रकार से हम जला लेंगे गैस के ऊपर में। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, तो इस तरह से फिंगर के हेल्प से ना इस तरह से डैप डैप कर देंगे केवल। ये देखिए, केवल इस प्रकार से हम डैप डैप करेंगे ना, तो पूरी तरह से ये क्लीन हो जाएगा एकदम से। जितनी भी इसमें गंदगी चिपकी हुई है ना, वो सारा का सारा निकल जाएगा। ये देखिए कितनी गंदगी निकल रही है, अंदर में चिपका हुआ था ये नेट में, पता नहीं चल रहा था ऐसे। और ये देखिए कितना क्लीन हो गया है। तो अब हम इसे धो करके और वापस इसे हम यूज कर सकते हैं, पुराना ही नए जैसा हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टिप हमारा ये है कि ये हम मान लीजिए पनीर वगैरह हम लोग रख देते हैं फ्रिज में इस प्रकार से प्लेट में ना, तो क्या होता है कि किनारे में इस तरह से सख्त हो जाता है, ऊपर में भी सख्त हो जाता है। ये मैं घर में ही पनीर बनाई हूँ, तो प्लेट में इस तरह से रख दी थी मैं, तो क्या होता है कि पूरा सूख जाता है किनारे में। तो क्या करेंगे ना हम कि तरह इसे एक बर्तन में, कटोरी हो या फिर कांच का हो या स्टील का हो, उसमें हम इस तरह से रख देंगे और उसमें डाल देंगे हम पानी, और पानी में डिप करके कि ताकि ये पूरी तरह से फूला रहे, पानी में डिप रहे। और अब हम इसे ढक्कन लगा करके रखेंगे ना, तो ये साइड में जो पीला पड़ जाता है, ऊपर का भाग सख्त हो जाता है पनीर का, वो नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टिप हमारा ये है कि ये इस प्रकार का ना मिक्सी का जार है छोटा वाला, ये छोटा हो या बड़ा अक्सर ख़राब हो जाता है। तो क्या कीजिए कि ये इसका ब्लेड, तो आप अगर आपके पास सुविधा है तो आप इसे ब्लेड इसका चेंज करा लें, और अगर ब्लेड चेंज नहीं करा पा रहे हैं, अपने नया ले लिया है, तो इस प्रकार का जार जो है जमा होते जाता है घर में। तो इसका तो देखिए मैं इसका क्या यूज करती हूँ, कितने अच्छे तरीके से मैं इसका यूज की हूँ। ये देखिए इस जार में मैंने मिट्टी भरा है, और ना इसे मैंने इसमें मनी प्लांट लगा कर रखा हुआ है, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मैं विंडो पर रखी हुई हूँ, तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी इसमें देखिए बड़े हो गए हैं इसके, ये केवल 2 महीने में इतना अच्छा ग्रो किया है। मिट्टी में बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है मनी प्लांट। आप तो मनी प्लांट को आप कांच के बर्तन में भी लगा के रख सकते हैं, गिलास में या फिर बाउल में। बट क्या होता है ना, डर लगते रहता है कि कहीं गिर ना जाए, फूट ना जाए, किचन में हम काम वगैरह करते रहते हैं तो इस प्रकार से आप इसमें लगाएंगे ना, तो ये फूटने का कोई डर नहीं है, स्टील का है, गिरेगा भी तो, और बहुत ही बढ़िया से। और ये देखिए मैंने डिज़ाइन इस पर बनाया है नेल पेंट से, कि पता भी नहीं चलता है कि ये मिक्सी का जार है। तो नेल पेंट 2-3 तरह का मैंने इस पर लिया है, और इस पर हम मैंने थोड़े से इस पर डिज़ाइन बना लिए हैं, देखने में बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा लगता है। तो अगर आप किचन में ग्रीनरी पसंद करते हैं, तो आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं इस मिक्सी के जार को। चलिए नेक्स्ट टिप की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टिप हमारा ये है कि हम जो भी किचन का सामान लेते हैं, जैसे ये मैंने लिया है सोया चंक्स के सोयाबीन बड़ी की, ये डब्बा है, तो क्या करते हैं कि इसे फेंक देते हैं यूज करने, मतलब निकाल लेते हैं इसमें से। बट ये बहुत ही यूजफुल है, डब्बा जो है अंदर से बहुत ही मजबूत होता है, अंदर में ये इसमें एक रैप लगा रहता है ना फॉइल पेपर जैसा, जिससे कि काफ़ी ये मजबूत रहता है। तो इस तरह के डब्बे का भी ना हम किचन में ऑर्गेनाइजर के रूप में हम यूज इसका कर सकते हैं कुछ भी रखने के लिए। तो अगर आप इसे अच्छे से कलरफुल बनाना चाहते हैं ना, तो इस प्रकार का कलरफुल पेपर ले लीजिए और इस पर तरीके से इसमें लगा दीजिए, फेविकोल वगैरह से चिपका लीजिए। और इसमें हम जो बड़े बड़े जो स्पैटुला वगैरह होता है ना, चम्मच, कड़छी, बड़ा बड़ा जो चाकू वगैरह हम लोग यूज करते हैं किचन में ना, तो कहीं रखते हैं तो ठीक से रहता नहीं है, या फिर आपको उसके लिए अलग से स्टैंड खरीदना होगा।
तो इस प्रकार का डब्बा जो है ना बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर का काम करता है हमारे इस तरह के बड़े बड़े चम्मच वगैरह रखने के लिए, कड़छी वगैरह रखने के लिए बहुत ही बढ़िया ये ऑर्गेनाइजर है। तो इस प्रकार से आप इस तरह से किसी कॉर्नर वगैरह में किचन में लगा के रख दीजिए तो आसानी से ये टिक जाता है और बहुत ही अच्छा भी रहता है, गिरता वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टिप की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टिप्स हमारा ये है ना कि इस प्रकार का जो मग है, ये देखिए इस प्रकार का मग वगैरह जब पुराना हो जाता है थोड़ा, तो देखिए किनारे में थोड़ा थोड़ा हल्का सा क्रैक हो गया है या फिर वो देखिए किनारे मिडिल में थोड़ा सा हल्का सा क्रैक आ गया है, तो इसे ना अब हम यूज नहीं करते हैं। मान लीजिए इसे हम चाय पीने के लिए या फिर दूध के लिए यूज नहीं करते हैं ना, और इसे फेंकने में भी बहुत ही माया लगता है, इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन वगैरह रहता है ना, तो क्या करें इसका हम। तो इसका भी मैं यूज करती हूँ बहुत ही अच्छे से। ये देखिए मेरे पास एक पुराना था कप, ये इस प्रकार से बहुत दिन हो गया था, किसी ने गिफ्ट किया था बर्थडे में मेरी बिटिया को, और ये बिटिया की फ़ोटो लगी हुई है। तो इसमें मैं यूज करती हूँ इस प्रकार से, आप ये स्पून स्टैंड इसे यूज कर सकते हैं, इसे इस तरह से फोक या फिर स्पून वगैरह आप इसमें रख सकते हैं, और इस प्रकार से काउंटर पे आप इसे रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये ऑर्गेनाइजर का काम करता है स्पून स्टैंड के लिए, या फिर आप इसमें अपना जो नाइफ़ वगैरह है, आलू छीलने वाली जो है वो, ये सब आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैं इस प्रकार से यूज करती हूँ इसका, आप अपने काउंटर पे रख सकते हैं साइड में करके, और दिखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टिप्स ये है ना कि हमारे किचन के लिए हमें बहुत से टॉवल लगती है, नैपकिन लगते हैं, किचन टॉवल बहुत ही यूज करना पड़ता है, बार बार कभी हाथ पोछना है, कभी थाली पोछना है। तो हम क्या करते हैं ना कि किचन का टॉवल जो ख़रीदते हैं ना बहुत ही काफ़ी महंगा आता है, दाम में बहुत ही महंगा मिलता है। तो क्या कीजिए ना कि बड़ा सा एक टॉवल ख़रीद लीजिए और उसी में चार पांच आप टुकड़े कर लीजिए, और इसका जो है आप आराम से यूज कर सकते हैं, बहुत सारा कम दाम में सस्ते में ये निपट जाता है। और अलग से आप अगर किचन टॉवल लेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला पड़ता है, और आप चाहें तो अपने काउंटर को भी साफ़ करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं, कई एक टॉवल को अलग रख दीजिए। तो इस प्रकार से ना किचन टॉवल का भी हमारा ये काम करता है, और इसे साफ़ करने के लिए भी हमारा काम कर सकता है। तो या फिर आप अगर पुराना हो गया टॉवल वगैरह, कुछ दिन यूज करने के बाद में होता है कि फट उठ जाता है ना, तो आप पुराने टॉवल को भी आप ना काउंटर को पोछने के लिए, साफ़ करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं, काट करके छोटे छोटे पीसेस में। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टिप्स हमारा ये है ना कि इस प्रकार का जो है हम अगर खाना वगैरह कहीं से बाहर से ऑर्डर करते हैं ना, तो इस प्रकार के डब्बे वगैरह हमें ज़रूर मिलते हैं, या फिर आप अगर स्वीट्स की दुकान पे स्वीट्स वगैरह खरीद रहे हैं, मिठाई वगैरह, रसगुल्ला वगैरह, तो इस प्रकार का डब्बा ज़रूर हमें रहता है सभी घर में। तो मैं तो फेंकती नहीं हूँ क्योंकि हम लोग बहुत जुगाड़ू लोग हैं, इंडियन के लोग तो मैं तो इसे बहुत ही यूज करती हूँ। तो इस प्रकार का जो भी है के पाउच वाला जो है, मसाले का जो है पाउच का, या फिर ये सूप का पाउच है ये देखिए, तो इस प्रकार हम इसमें क्या करेंगे कि ना इस प्रकार से हम इसमें यूज कर लेते हैं, फिर मसाला का, चाट मसाला, ये सब जो है ना पाउचेज जो है हम लोग अक्सर खरीदते हैं मसालों का, तो कहीं इसको खोल करके रखते नहीं हैं, पाउच में ही रहना रखते हैं। तो क्या करेंगे कि आप इस प्रकार से इसमें रख दें सारे पाउचेज को, और इस प्रकार से आप इस डब्बे का यूज कर सकते हैं आसानी से, या आप जब निकालना हो, यूज करना हो, निकालिए और फिर अगेन इसे बंद करके रख दीजिए। तो ये देखिए मैं क्या यूज करती हूँ, मैं भी ये देखा मैंने, मैं इसमें ना ये पिस्ता बादाम रखी हुई हूँ, तो मैं फेंकती नहीं हूँ बहुत, मैं बहुत यूज करती हूँ कई तरह से ऐसे डब्बों का। तो नेक्स्ट टिप्स की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टिप्स ये है कि गर्मी का सीज़न आ चुका है और चीनी में क्या होता है ना कि बहुत ही जल्दी चींटी लग जाती है, हम लोग कितना भी टाइट करके बंद करें ना फिर भी चींटी वगैरह कहीं ना कहीं से पता नहीं कैसे घुस ही जाती है, एक दो लग जाती है। तो क्या करेंगे कि लौंग डाल देंगे ना तो चींटी नहीं लगेगी चीनी में, पर बट हम लौंग को इस तरह अगर डाल देंगे ना चीनी में, तो जब भी हम चाय वगैरह बनाएंगे ना तो बार बार उसमें लौंग आ जाएगा या फिर कोई यूज करेंगे। तो क्या करेंगे हम कि इस तरह से ना पेपर नैपकिन लेंगे, और पेपर नैपकिन को एक इसका टुकड़ा मतलब काट लेंगे और उसमें डाल देंगे हम 8-10 लौंग, और इस प्रकार से इसे करके पोटली बना करके और हम रख देंगे तो चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम किचन का काम को आसान कर सकते हैं ऐसे टिप्स को फॉलो करके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।